Hello friend, Assalamu Alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will study about pointing devices. Actually, pointing devices क्या होती हैं और इसके कुछ examples भी देखेंगे. अब pointing devices. पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्या है. Pointing devices. Pointing का मतलब क्या होता है? Pointing का मतलब जैसे हम क्लास में या जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं या पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, समटाइम हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मुझे पॉइंट आउट मत करो, मतलब मेरी तरफ इशारा मत करो. तो ऐसी डिवाइसेस जो क्या करें, इशारे करें. इशारे वो वाले नहीं कि मतलब जैसे हर कोई करता है, नहीं. इशारे मतलब अब जैसे ये मेरा माउस, ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है किसकी तरफ, इस पॉइंटिंग डिवाइसेस की तरफ. एक और इशारा कर रहा है किसकी तरफ, एग्जांपल की तरफ. अब ऐसी डिवाइसेस जो क्या करें, हमारे पॉइंटर को जो हमारे स्क्रीन पर होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस. ये एक सिंबल होता है जो क्या होता है, स्क्रीन पे अराइव होता है. और दूसरा, ये हमारे काम किस लिए आता है. अब हमने क्या करना है, अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम पॉइंटिंग करते हैं, मतलब उस इस पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं. अगर हमने कोई बटन या कोई लिखना है या कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है या कुछ प्ले करना है तो हम करते हैं इस पॉइंटिंग डिवाइसेस के जरिए के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपना जो भी हम काम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब पहली एग्जाम्पल है माउस, दूसरी है ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, पेन बेस्ड सिस्टम, ग्राफिक टैबलेट्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हैं हमारे पास कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस. पहले जैसे नाम जाहिर था माउस. अब माउस क्या होता है, माउस भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करती है. अब माउस के बटन होते हैं, उसके ऊपर राइट और लेफ्ट क्लिक और डिफरेंट टाइप के उसके क्या होते हैं, माउस की फंक्शनैलिटी होती है. हमने क्या करना है, अपनी जो स्क्रीन पे जिस जगह हमने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है हम माउस के जरिए कहाँ सकते हैं, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह माउस मूव कर सकते हैं. उसके बाद है ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल क्या है, सेम माउस की तरह, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर एक बॉल लगा होता है. तो बॉल का काम क्या होता है कि हमारे पास क्या है, अगर हमने स्क्रोल करना है स्क्रीन को अप डाउन या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं. बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी वही होती है जैसे हमारे पास माउस की होती है, बट इसके अंदर क्या होती है, एक ट्रैक बॉल लगी हुई होती है जिसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं माउस में और ट्रैक बॉल. उसके बाद है पॉइंटिंग स्टिक. पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है, आप लोगों के पास लैपटॉप होंगे, उसके अंदर एक छोटा सा बटन लगा होता है. बेसिकली क्या है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं और जिस साइड पे मूव करना हो तो ये क्या करता है, हमारे कर्सर को, हमारे जो सिंबल स्क्रीन पे शो होता है उसको मूव करता है वहाँ पे. उसके बाद आ जाता है टच पैड. टच पैड हमारे लैपटॉप की जो हमारे क्या होते हैं, हम फिंगर के थ्रू, हमने जो ऊपर एक फ्लैट बना हुआ होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, हम फिंगर के थ्रू जिस साइड पे मूव करना हो हम उस साइड पे क्या कर सकते हैं, टच पैड के थ्रू हम कर सकते हैं. उसके बाद टच स्क्रीन. टच स्क्रीन क्या है, सिंपल, इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं. तो क्या करते हैं, जैसे हम उसके ऊपर टच करते हैं तो वो उसके ऊपर जो भी उसके पीछे फंक्शनैलिटी दी हुई होती है उसको परफॉर्म करते हैं. उसके बाद है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक भी सेम माउस की तरह है, बट ये क्या है, ये कंफर्टेबल है. इसके जैसे हमने कोई गेम खेलनी है तो गेम के अंदर हम ज़्यादातर जॉयस्टिक यूज़ करते हैं. उसके बाद आ जाता है लाइट पैन. लाइट पैन के थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ये कुछ हमारा इंट्रो था अबाउट किस चीज़ के, पॉइंटिंग डिवाइसेस के. होप यू लाइक माय वीडियो. थैंक यू.